पिछले कई सालों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, साथ ही हमारे देश के बच्चों ने भी खेल की दुनिया में कई ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। चाहे वह क्रिकेट हो या ओलंपिक प्रतियोगिता, हर जगह हिंदुस्तान के युवाओं का नाम है। हाल ही में हमारे देश के युवाओं ने वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। ये युवा रोहिणी के विजय विहार में रहते हैं। जब इनके परिवार से हमने बात की तो उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी की चमक दिखी। साथ ही इनके घर वालों को यकीन है कि इनके बच्चे हमारे देश का नाम और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में आशीष माथुर ने अपनी पहली बॉक्सिंग स्कूल टाइम पर शुरू की थी। आशीष भाई, आज ये मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आए हैं, जिसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और जिन्होंने भारत का नाम इन्होंने रोशन करा है, और अपने आसपास अपने समाज में हर बच्चों प्रेरणा ये है, क्योंकि हर चीज़ में अभी जितने गोल्ड लेकर आए हैं, खेल के आए हैं, हर चीज़ में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और इनको आगे स्पॉन्सर, इन्होंने इतनी मेहनत करी है जो स्पॉन्सर करें तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हर चीज़ में हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं श्री रामकृष्ण महतो हूँ, मेरा पोता आशीष है, और ये चैंपियन में जीत के आया है, और मुझे बहुत अच्छी लगी है, और परमात्मा करे आप लोगों के सहयोग हो तो मेरे पोता बार बार जीतता रहे, और आप लोग थोड़ा सहयोग दो इनको। धीरे धीरे उन्होंने बॉक्सिंग में अलग अलग जगह जाकर अपना नाम बनाया। साथ ही उनके साथी सूरज माथुर ने गोल्ड मेडल जीता 64 kg बॉक्सिंग में, त्रिभुवन ने सिल्वर मेडल जीता 70 kg बॉक्सिंग में, हन्नी यादव ने सिल्वर मेडल जीता 55 kg बॉक्सिंग में, तपन कुमार ने गोल्ड मेडल जीता 55 kg बॉक्सिंग में। इस जीत के पीछे असली मेहनत इनके कोच मिस्टर दीपक पांडे, मंजीत यादव, जवाहर प्रसाद की है। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, बिना गुरु के हम कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। AA न्यूज़ के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।